बट ही आज हम खेल रहे हैं दोबारा से मैन सिमुलेटर। तो अभी मैं जा रहा हूँ जनरल स्टोर कंपोस्टर बिन खरीदने के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में तुम लोगों से पूछा था कि वो क्या काम में आता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया, जितने भी हमारे पास में जानवर है जो कि टट्टी कर रहे हैं, कंपोस्टर बिन से हम उनकी टट्टी उठा के उस टट्टी को हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसे मैं दुकान से फर्टिलाइजर खरीदूंगा तो वो $100 का सिर्फ और सिर्फ, मतलब ₹100 का सिर्फ और सिर्फ 7 लीटर फर्टिलाइजर आ रहा है, जो कि एक बार में पूरी फसल को खाद भी नहीं दे पा रहे हम, खाद ही बोलेंगे वैसे फर्टिलाइजर को, या जो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे समझ लो। वैसे जा तो रहा हूँ मैं जनरल स्टोर, बट मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ $11 है, ठीक है, $11 है। मैं सोच रहा हूँ आज हम सारा का सारा ऑयल भी बेच दें, क्योंकि हमारी जो बात हुई थी 3-4 दिन तक हम ऑयल को हाथ नहीं लगाएंगे, उसको जमा होने देंगे और उसके बाद में एक ही टाइम में जाकर फिर सेल करेंगे। 3-4 दिन से आई गेस ज़्यादा हो चुका है, मतलब गेम के 3-4 दिन। उधर भी जाकर एक बार नज़र घुमा लेते हैं, बट एक बार ना जाने से पहले मैं जानवर चेक कर लेता हूँ। अपने मुर्गी के बच्चे जो है वो बड़े हो चुके हैं, देखो मुर्गी के बच्चे बड़े हो गए। यहाँ पर कितनी सारी मुर्गियाँ दिख रही है, कुछ दिन तक या कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे। अरे भाई अरे सारे के सारे बच्चे बड़े हो गए, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। इसमें से कोई ना कोई रोस्टर भी होगा, देखना। मैंने 4 रोस्टर या फिर 2 ही रोस्टर रखा था इधर, 1-2, ये देखो ये जिसकी पूंछ निकली होती है ना ऐसी, मतलब ये एक रोस्टर है काला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, और ये 5वां और ये 6ठा, अरे 6 रोस्टर हो गए। अरे बस 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 हमारा काम हो गया है 80% कम्प्लीट। अब यहाँ पर की भी जो संख्या है वो तुम बस देखते रहना कैसे बढ़ेगी। इधर भी 2 मीट पड़े हुए, अंदर एक बार नज़र घुमा लेते हैं अंदर का क्या सीन चल रहा है। हट जा पिग, यार ये लोग इधर से आने ही नहीं देते, रुक जाओ इधर से चलते। कोई ना कोई पिग ने तो गुड न्यूज़ दिया होगा, यस। देखो यहाँ पर और कितने सारे बच्चे घूम रहे हैं, पता नहीं ये किसके बच्चे हैं बट घूम बहुत सारे यहाँ पर। इधर तो भाई टेंशन ही नहीं, इधर का तो फुल अनलिमिटेड सीन चल रहा है। चलो आज के दिन इनको रहने देते हैं, और जाकर अभी पैसे का नीड है तो मैं पहले ऑयल को वो कर देता हूँ, ऑयल बेच देते हैं हम जाकर, है ना। पहले एक बार ये भी चेक करना है मेरे पास में कोई बैरल वगैरह वो रखे हुए हैं नहीं। ये जेरिकेन है, जेरिकेन से काम कर दो, जेरिकेन को लेकर चले क्या? हाँ जेरिकेन ले लेते हैं, कभी भी काम में आता। बास्केट के अंदर अभी कुछ नहीं है, बास्केट को इधर ही पटक देते हैं। सुबह सुबह का वक्त है आज हमारे पास में, मतलब आज का दिन हमने सुबह 8 बजे ही शुरू कर दिया, तो अपने पास में बहुत ज़्यादा टाइम है हर एक चीज़ को। और साथ ही साथ आज अपने को जितने भी हमने लास्ट एपिसोड में फसल लगाई थी वो पूरी की फसी फसल बेचनी है, क्योंकि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया उसके अंदर, देखना है अब वहाँ से अपने को रिटर्न कितना मिलेगा। स्ट्रॉबेरीज़ वैसे रेडी हो गई है, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज़ का भी अभी अपने को करना है। और अब अपने को कूलर बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, जो $96 के हम मीट उठाने के लिए कूलर्स परचेस किए वो अपने को बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि सारा का सारा फ्रूट वेजिटेबल आएगा कूलर के अंदर ही आएगा। यार $11 के अंदर क्या ही पेट्रोल डालूंगा मैं, एक काम करता हूँ रुको, ये जेरी कैन लगाते हैं इधर, लेट्स गो। टंकी देखना हमारी कैसी फुल हो रही है, हो चुकी है फुल। आई गेस अब तक ना यहाँ पर 150-150 लीटर ऑयल हो गया होगा, 150 लीटर मतलब $1500, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक बार चेक कर लेते ना भाई, 165, 150 से काफ़ी ज़्यादा, 165। ए लो भाई ये 50 लीटर ट्रांसफ़र पूरा का पूरा, ठीक है, और इधर से और 50 लीटर, 65 लीटर स्टील बचा हुआ है। एक और मेरे को ये बैरल भी चाहिए अब, बट ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा, ज़रूरत नहीं है थोड़ी। अगर मैं मेहनत कर लूँ ना मैन्युअली, मैं राउंड घूम घूम कर आ जाऊँ ना, तो 4 बैरल के अंदर ही अपना काम हो जाएगा। पहले अभी जितना भी हमने 100 लीटर उठाया ना, इसका $1000 पहले उठा कर लेके आते हैं। और हनी का बिज़नेस बहुत दिन से पेंडिंग है, कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में हनी की कम से कम ब्लूप्रिंट या फिर चेक कर लेते उसको बनाने के लिए, कितना एक्सपेंस जा रहा है, कितना बजट लग रहा है, वो हिसाब से काम करेंगे। फिर अगर कम बजट के अंदर काम हो गया ना तो आज हनी का बिज़नेस भी या फिर उसका ब्लूप्रिंट पूरी रेडी कर ही लेंगे। और पेट्रोल भी अभी अपने को ऑयल रिग के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस 43 लीटर अभी पेट्रोल उसके अंदर था, मतलब आज का भी दिन और कल का भी दिन ऑलमोस्ट निकल ही जाएगा। यार 100 लीटर तेल है, 100 लीटर तेल हमारे पास। आज किस चीज़ का है? रोस्टर मीट, बीफ सॉसेज और चिकन सॉसेज का मल्टीप्लायर। यार ये किचन का माल रेडी करना है, भूल रहा हूँ मैं, किचन के अंदर अभी बहुत सारा सामान आना बाकी है। देखो कहा था ना $1000, वेरी नाइस, लेट्स गो। $1000 ही रहने दे या फिर क्या किया जाए, $1000 इसका ऑयल और बेच दूँ या फिर $1000 सफिशिएंट है इतना ही रहने दूँ? रहने देता है, $1000 के अंदर आज मेरा बहुत सारे काम हो जाएंगे। अगर अपने को और
कभी पैसों का नीड होगा तब जाकर हम वो कर देंगे, है ना यार। अभी तो इतनी कड़ी कड़क धूप थी, दोबारा से ये पूरा फॉग फॉग हो गया है। इस गेम में ना शार्प ब्राइटनेस वाली धूप में ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है मालूम। अभी ऐसा ना कोजी कोजी माहौल हो जाता है ना, दिल करता है ब्लैंकेट ओढ़ के सच में इन रियल लाइफ लेट जाऊं। और एक चीज बताना ही भूल गया, परसों जो मैंने शॉर्ट व्लॉग अपलोड किया था वो चांद रात वाला, वो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ जाएगा, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी शॉर्ट्स अपलोड किया उन सबसे ज्यादा बढ़िया वीडियो ये शॉर्ट व्लॉग वाली परफॉर्म की है। तो ऐसे मन ही मन मेरा मतलब बहुत दिन से इरादा हो रहा है कि एक नया व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करूँ, मतलब फिलहाल मैं शॉर्ट व्लॉग वाला चैनल स्टार्ट करूँ। उसके बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कैसे कंटेंट रिकॉर्ड होता है, शूट होता है या जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद में बड़ी बड़ी वीडियोज़ डालना स्टार्ट करूँ। फिलहाल मैं शॉर्ट व्लॉग से चैनल स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि शॉर्ट व्लॉग के अंदर ना मेरे को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर अभी बताऊँ तो पब्लिक में मेरे को कैमरा फेस करने की उतनी आदत नहीं है, वो मेरे को पता है कुछ टाइम के बाद में हो जाएगी आदत, इतना भी ज़्यादा उसका सीन नहीं है। बट अगर शॉर्ट व्लॉग बनाऊँगा ना तो उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट और बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे पाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ। ऐसे इरादा तो मैंने कर ही लिया हूँ व्लॉगिंग चैनल अभी बनाने का, बट देखते हैं, चलो लेट्स सी क्या होता है। हेलो खूबसूरत मैडम, मुझे चाहिए दो कंपोस्टर बीन, में एक नहीं सीधा दो परचेस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। बट है कहाँ पर वो? ये रहा $250। अबे $500 तो इसके अंदर चले जाएंगे, बट पहले रुको मेरे को एक ही खरीदने दो $250 का। इसकी कैपेसिटी कितनी है मेरे को वो तो पता लग जाएगी, कितने किलो इसमें टट्टी उठा सकता हूँ मैं। अगर देखेगी तो सिर्फ 20 टट्टी उठा सकते हैं इसके अंदर। 20 टट्टी का खाद बनेगा तो नहीं, मेरे को दो लगेगे। टट्टी बहुत बड़ी है अपने पास में, बट 20 टट्टी भी बहुत होती है। 20 टट्टी की 20 फर्टिलाइजर, मतलब एक काम करते 7 कितना पैसा बचा अपने पास में, $761 है ना। तो अभी फिलहाल के लिए एक टट्टी बिन से काम चलाते हैं, कंपोस्टर बिन से, और अगर लगेगा तो फिर देख लिया जाएगा। अभी फिलहाल में जो है इससे काम चलाते हैं, वरना मैं खामखा ज़्यादा परचेस कर लूँगा तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा ना। और मैं ज़िंदगी में पहली बार आज कंपोस्टर बिन खरीदा है, पता है, जिंदगी में पहली बार। पहले काम करते हैं, मुर्गियों के पास से टट्टी कलेक्ट कर लेते हैं। मेरे को ये भी चेक करना है कि फर्टिलाइज़र, मतलब ये टट्टी उठाने के बाद में फर्टिलाइज होने के लिए कितना ज़्यादा देर लगेगी। यहाँ पर तो साले दिन भर तो हकते रहते हो, आज टट्टी ढूंढने जा रहा हूँ तो मिल नहीं रही। टट्टी कर टट्टी, सारे के सारे मिलके एक साथ टट्टी करो। खाना है ना इधर? हाँ है। इधर अपना काम नहीं होने वाला, हम सीधा चलते हैं पिग वाली जगह पर, ठीक है। पिग वाली जगह जाते, पूरे के पूरे मर रहे भाई बाहर आने के लिए। मैंने बहुत सारी टट्टी यहाँ पर देखा था पड़ी हुई, ले लो। एक टट्टी उठा ली, एक टट्टी, बहुत सारी टट्टियाँ आई है। इधर ग्रास ज़्यादा है जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा यार, इतने सारे लोग मिलके चार टट्टी किए, बताओ पेट खराब है क्या तुम लोग का? थोड़ी ज़्यादा टट्टी करो, इतनी सी टट्टी में मेरा काम नहीं होने वाला। इसका फर्टिलाइज़र ये देखो ऊपर 0.64। अबे ये क्या सीन है, ये तो बस पॉइंट्स के अंदर बढ़ रहा है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स के अंदर बढ़ रहा है। बट चलो, हाँ मेरे को लगा ही था इतनी जल्दी थोड़ी टट्टी उठाते फर्टिलाइज़र बन जाएगा वो, कुछ ना कुछ वक्त तो लगेगा ना। और कहा है यार, एक छोटी मशीन खरीद के ना इधर मन कर रहा है कि घुमा दूँ, सारी की सारी ग्रास हट जाएगी। ये काम मेरे को पहले करने चाहिए थे शायद, और तो यहाँ पर है नहीं तो इसको रहने देते। थोड़ी बहुत टट्टी आई गेस गाय बैल के पास में होगी। अभी अपने को एक बड़ा सा मेल बुल भी खरीदना है, ठीक है। यहाँ पर तो भाई देख रहे हो उधर तो कुछ है, अरे है ना बड़ी वाली है ना भाई सीधा इसके अंदर तो। अरे हाँ, भैंस की टट्टी में तो कुछ ज्यादा ही हुआ, मेरे को भैंस ज्यादा लेके आने पड़ेगी। ये अपनी गाय, ये मेरे को ज्यादा लेकर आना पड़ेगा। क्या करूँ, आज दो गाय और खरीद ले क्या? ये $600 की कुछ हमने ली थी, ले सकते है सीन नहीं, अपने पास में बहुत पैसा है, अभी पेंडिंग में रखा हुआ है, क्या किया जाए। रुक जाओ, चलो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल में फसल तो बेच के आते हैं और ये जितनी भी फर्टिलाइज, एक काम करता हूँ ये बिन को मैं रख देता हूँ इधर साइड में, ठीक है। और जेरी कैन में कितना तेल है, ले और भर दे। पूरी गाड़ी की टंकी मेरी फुल और चिपका ही रहे से तू। फसल तो बेच के आते यार, कलवे को भी ट्रेन करना है, कलवे को ट्रेन करने के लिए भी अभी कितनी मेहनत करनी है, ये सारे काम से मेरे को फुर्सत नहीं मिल रही तो क्या कलवे को ट्रेन करेंगे। मगर ऑटोमेटिक वो खुद से ही रखे ही ट्रेन हो जा रहा है, बट बहुत ज़्यादा स्लो ट्रेन हो रहा है। मेरे पास में एक और, हाँ घर पर रखा हुआ, घर पर नहीं ये ग्रीन हाउस के अंदर रखा हुआ। आज चलो अच्छी धूप है तो अपना काम हो जाएगा। बस आराम से लेट इज द गो। फसल रेडी 94%। भाई कुछ ही देर के अंदर
इधर का फर्टिलाइजर अगर डाल दूं ना मैं तो तुरंत तुरंत हो जाएगा। देखो दिल पूरा 100% बन के आ रहा है, मतलब क्लिक हो रहे उसमें। इधर की तो ग्रोथ 40% ही हुई, चलो ठीक है। इधर की 89% हुई है, बाकी इधर की स्ट्रॉबेरीज हार्वेस्ट, चलो ले लो। ये फसल खराब हो गई, जहाँ से भी आ रहे निकाल लो। कुछ खराब हो, एक सेकंड, नो स्पेस। 24 बेरीज आ गई है, 24 स्ट्रॉबेरीज आ गई है इसके अंदर। ओह माय गॉड, शायद से ये जो खराब हुई है ना, इसको मेरे को रिमूव करके यहाँ पर न्यू सीड डालना पड़ेगा। देखो अच्छा, इसमें से कुछ फसल रहेगी और कुछ खराब हो जाएगी। समझ गया। कितने हो गए मेरे पास में, 12, ये 24 ही अच्छी खासी स्ट्रॉबेरीज हो गई है। तो एक काम करते, इसको रिमूव कर देते, ठीक है। ये फसल खराब हो गई है ना, इसको हटा देते। मेरे पास में कुछ स्ट्रॉबेरीज पड़ी है यार। स्ट्रॉबेरी और ये सब सीड्स की ना शॉपिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कहाँ गई ये स्ट्रॉबेरी सीड? एलो एलो एलो। और कुछ है, और कहीं से कुछ खराब हुआ नहीं ना? इसमें कितनी पड़ी है? 7 अभी भी है, ठीक है। चलो पानी तो 100% है सारी ही जगह पर, इधर थोड़ा सा कम है ना, इधर पानी और दे देते हैं। एलो पूरा 100% पानी, इधर पानी की कमी हो रही है। एक सेकेंड मुन्ना, एक सेकेंड। एलो ये पानी दे दिया, तुम्हारे पास पानी की कैसे क्या कमी हो रही है? फर्टिलाइजर तो देखो फुल है, 93 भाई, 93। अरे बढ़ रही है इसकी ग्रोथ, हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़। रुक जाओ और पानी ले ले तू, मैं बीच में जा नहीं सकता, कहीं से ठूस ठूसा के चले जाएंगे, हाथ ही नहीं जा रहा भाई इधर। बाकी ये जो हमने फ्रंट में लगाया ना, ये सारे के सारे ग्रेप्स, ग्रेप्स को उगने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। मन कर रहा है ना इधर पूरी की पूरी फसल में ना, मतलब यहाँ पर और ऐसे बहुत सारे क्रॉप प्लॉट बना दूँ और यहाँ पर भी सारी की सारी ना फसल लगा दूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा भाई। पूरा ग्रीन हाउस ना हमारा फुल हो जाएगा, फिर अभी जितनी फसल उग रही है ना इससे ज़्यादा हो गएगी। बट अपने को प्लैंक्स भी बहुत सारे लगेंगे, प्लैंक बहुत सारे इसलिए लगे क्योंकि ये 18 प्लैंक का एक क्रॉप प्लॉट बनता है भाई, बहुत ज़्यादा है। चलो स्ट्रॉबेरीज लेते जितने भी है, ये पूरी की पूरी ना जाकर जनरल स्टोर में एक बार बेच के देखते हैं। वैसे जनरल स्टोर में बिकेगी, कहाँ बिकेगी? या फूड वाली अपने वहाँ पर बिकने वाली है, दोनों जगह चेक कर लेते हैं। बाकी यहाँ नज़र घुमाएंगे ना, 98% ये देखो रेडी हो गया है, ठीक है। इधर भी, इधर तो 44% वाली फसल है, बाकी इधर फ्रंट में ना 99, इधर तो 99। रुक जाते एक दो मिनट और, रुक जाते या फिर 5 मिनट और रुक जाते, पूरी एक साथ में बेचते ना। बाकी यहाँ के तो टोमेटोज रेडी हो चुके हैं, तो इसके अंदर आई गेस हाँ जगह है ना, टमाटर भी लेकर जाकर बेच देंगे। वेरी वेरी नाइस, इधर के भी टमाटर। अरे भाई सारे टमाटर उग गए भाई, पूरी फसल ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ये नो स्पेस, अरे कंटेनर भाई फुल हो गया, 12 टोमेटोज 12। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरे को कूलर कुछ ज्यादा ही परचेस करने पड़ेंगे, ये बहुत जल्दी फुल हो जा रहे हैं। बट टोमेटोज में से ना एक भी फसल अभी तक शुक्र है खराब नहीं हुई है। अगर खराब हो जाएगी ना तो फिर उसके अंदर और वो करना पड़ेगा। यार अंदर कैसे जाऊंगा मैं? देखो अच्छा हुआ बाजू की ब्लूप्रिंट मैंने रेडी करके फसल वो नहीं कर दिया, बड़े पेड़ को ना अंदर से कलेक्ट करने के लिए वो, मतलब जा नहीं पा रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, कहाँ से जाऊंगा यार? ये प्रॉब्लम थी ना, मैं वही तो सोचूं, इतना चिपका के लगाने के बाद में भी अभी तक कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आई है। या बास्केट ऐसे रख के मैं सिर्फ हाथ से वो ले सकता हूँ, हाथ से कहीं से कुछ ना आ जाओ भाई, कहीं से टोमेटो आ जाओ। शायद से मेरे को ना जंप वगैरह वो मार के ऐसे बटोरना पड़ेगा। चलो एक जगह के तो आ गए हैं, इधर साइड का देखना है अब अपने को। इतने बड़े पेड़ है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ यार। इधर जब ब्लूप्रिंट बनाएंगे ना तो गैप दे देकर ही बनाना पड़ेगा, या कम से कम टोमेटोस के अंदर गैप देना पड़ेगा। ये बीच के रह जा रहे हैं ना, बीच का माली नहीं उठा पा रहा हूँ मैं। प्लीज आ जा, प्लीज आ जा। आ गया आ गया आ गया, सिर्फ एक पेड़ बचा हुआ है, नहीं एक या दो पेड़ बचे हुए, वो भी मिडल के। अरे आ गए हम यहाँ तक, आ गए। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, जा। वेरी नाइस, आ जाएगा आ जाएगा। थोड़ा सा मेरा तुक्का बैठ जाए ना, सारी फसल के बीच में थोड़ा सा भी गैप दे दूँ ना तो हो जाएगा अपना काम। एक सेकंड, क्या सारे अंगूर भी रेडी हो गए? नॉट इनफ स्पेस यार, ये इतनी जल्दी फुल हो गया है, तीनों के तीनों डिब्बे फुल हो गए। इसमें भी 12 12 24 24 24, इसके अंदर भी 24। तो ये जो सारा सीड्स है ना इसको निकालो और रख दो साइड में। कितना फर्टिलाइजर है? थोड़ा सा है। स्ट्रॉबेरी सीड है ना, ये लो सारे सीड, इधर ही छोड़ दो जमीन पर। शायद से इस वजह से तो नहीं उठा पा रहा था ये यार। ये बीच के टोमेटोस उठाने के लिए कुछ करना पड़ेगी सेटिंग, ऐसे से तो अपना काम नहीं होने वाला। ठीक है चलो, सारे के सारे अंगूर आ जाए, अंगूर का टेंशन नहीं, अंगूर सारे। इधर की कुछ अंगूर 97 ही हुआ है क्या? अच्छा ठीक है। कितने अंगूर उठा लिए हमने? 15 ग्रेप्स आ गए, अंगूर का तो बहुत पैसा मिलेगा। सिर्फ हमारी स्ट्रॉबेरी वाली फसल ही खराब हुई है बस,
बाकी कोई भी। और भाई 42% दोबारा से स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ हो गई है स्ट्रॉबेरी के अंदर, बट अपने को पैसे थोड़े से कम मिलेंगे। यार कितना रेडी हुआ, जल्दी से हो जाना 98.33। आई गेस अब तो रेडी हो ही गया होगा है ना, 99%। इसको ही बैठ के घूरता हूँ अब मैं ऐसे। लेट्स गो, 100% फसल रेडी। और कोई चीज छूटी नहीं छूटी। अब कितना 18 हो गए भाई, बहुत सारा अपने पास में माल आ गया। एग्जैक्ट पैसे हमारे पास में $761 है, ठीक है। जाते जनरल स्टोर और वो फूड वाली शॉप पर भी। बस मेरे को इधर एक बार चेक करना है कि इधर ये कितना हुआ। क्या यहाँ पर 1 लीटर या 1 किलो भी फर्टिलाइजर नहीं बना, ये तो फिर कुछ काम का ही नहीं है भाई। बट एक बार ना ऐसे ही जाकर मैं चेक करता हूँ, क्या सच में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 96 फर्टिलाइजर रेडी हो गए। नहीं, इतनी अच्छी किस्मत तो है नहीं हमारी, बट स्टिल एक बार ना चेक कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज कर पाएंगे। हाँ फर्टिलाइज कर दिया तो 46 ओके। इधर भी अगर फर्टिलाइज कर दूंगा तो क्या होगा फर्टिलाइज? नहीं, ये तो भाई मेरे को मतलब पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा, इतने फर्टिलाइजर में तो कुछ भी नहीं होने वाला। फर्टिलाइजर के अंदर मतलब मेरा इन रियल खर्चा होने वाला, यार ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, क्योंकि फर्टिलाइजर सच्ची में बहुत महंगे हैं यार, और ये लोग इतनी टट्टी कर नहीं रहे। जाते जाते हाँ मीट लेकर जाना है ना। चलो भाई पहले फूड वाली दुकान जाएंगे, ठीक है, फूड वाली दुकान जाएंगे, उसके बाद में फिर जनरल स्टोर जाकर चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं फसल को बेचने जा रहा हूँ। अभी एक चीज तो भूल रहे हैं हम, यहाँ खेती करनी बाकी है, अभी खेती से प्रॉफिट होना बचा हुआ है। अरे यार ये भेड़िया यहाँ कहाँ आ गया है? भेड़िए आर यू वेरी डेंजरस? भेड़िए ए अल साले। यार इसको मैंने उधर बुलाना चाहिए था, अभी मेरे को जाकर उसका मीट उठाकर लाना पड़ेगा। चलो ठीक है, पहले फसल बेचते उसके बाद में देखा जाएगा। अंदर जाओ, दरवाजा लगाओ वरना भेड़िया आके काट लेते। इधर बिकेगा टोमेटोस, बिक रहे। अरे भाई $6 का एक टमाटर, $144 अपने को इसके मिल रहा है। स्ट्रॉबेरीज के $96, ग्रेप्स के सीधा $360, $20 का अंगूर का गुच्छा बिक रहा है। पोगमेट तो चलो ठीक है, इसके $60 ठीक है। बाकी स्ट्रॉबेरीज के $48, ये भी टोमेटोज है इसके $72, मतलब $780। अरे यार कल बहुत सस्ते में सामान लगाया मैंने, अभी उसका तो मतलब मल्टीप्लाई हो गया होगा वो। यस। चलो ठीक है, ये अब फसल के काम को करना है अपने को मल्टीप्लाई। भेड़िए के मीट को ऐसे रहने देते, ज़रूरत के टाइम बेचेंगे, बेचारे की तो ऐसी की तैसी हो गई। अब अपने को करना है सारा का सारा ब्लूप्रिंट रेडी, और जाते जाते बस जनरल स्टोर से बहुत सारा फर्टिलाइज़र और सीड्स वगैरह वो उठाकर लेकर चलते हैं, क्योंकि पम्पकिन वगैरह तो अभी हमने कैबेज पम्पकिन और वाटरमेलन ये तो हमने उगाया नहीं, वो सारा भी उगाना है। तो पूरा ग्रीन हाउस आज भर देते, थोड़ा सा गैप गैप से बनाते, ऐसे चिपका चिपका करने बनाने वाले। तब तक हमारे पिक के और बच्चे हो जाएंगे, घोड़ा और ट्रेन हो जाएगा, मुर्गी और अंडी कर, अंडी बोल रहा हूँ, मुर्गी और अंडे दे देगी, उसके बाद में गाय भी खा पी के हट्टे कट्टी तंदुरुस्त हो जाएगी। अब ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, $850 इसको हो गए। एग्रीकल्चरल मेडिसिन है ये, ठीक है। चलो ये अपने अभी काम में नहीं आएगी, ये जब हम फार्मिंग करेंगे तब काम में आएगी, ठीक है। फर्टिलाइज़र 3 बोतलें ले लिया, उसके बाद में और ऐसा कौन सा सामान है यूनिक और ख़तरनाक या जो हमारे काम में आएगा? नहीं, और कुछ भी ऐसे नहीं है। हाँ एक वीट बैग रख लेता हूँ, क्योंकि घोड़े का खाना अब ख़त्म होने आया है, बाकी सफिशेंट है। $880, ठीक है, $880 का खर्च हो गया। लेट इज द गो। चलो भाई पूरा का पूरा माल आ जाए, आई गेस एक ही के अंदर सारा सामान आ जाएगा। एक एक कंटेनर में बहुत कैपेसिटी हो गई है, क्योंकि अब हर एक सीड मैंने डबल डबल खरीद लिया हूँ, और फर्टिलाइजर भी इतना ज्यादा आ गया है कि न्यू वाला ब्लूप्रिंट रेडी करके उसको पूरा फाइनल करने तक अपनी एक फसल ना पूरी रेडी हो जाएगी। यार लिखकर मेरे को ना हिसाब किताब करना पड़ेगा इसका, उसके अंदर ज्यादा अपने को प्रॉफिट समझ में आएगा। बाकी चलो इसमें ऊपर भी स्ट्रॉबेरी सीड है, ठीक है, याद रखना है। बट निकाल तो ऐसे डालता हूँ ना इसके अंदर, आप सही है। 4 फर्टिलाइज़र 2 ग्रेप सीड 2 वाटरमेलन सीड बेल पेपर सीड पम्पकिन सीड कैबेज सीड टोमेटो सीड पाइनएप्पल सीड स्ट्रॉबेरी सीड। हाँ यस, और कोई छूटा नहीं, छूटा ना।
लेट इज गो। पैसा कितना पड़ा है? $661 स्टिल इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में तो वैसे हम बहुत दिन पहले ही आ गए थे, ये अब हम ना मतलब उन्हीं का खर्चा उनमें ही खर्चा कर रहे हैं, मतलब उन्हीं से कमा रहे उन्हीं में खर्चा कर रहे हैं। और ये जो कंटेनर है पूरे इधर ही सजा देते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में तो मीट नहीं बेचना है अपने को, इसलिए ये सारे कंटेनर ना यहाँ पर ही अपने काम में आ जाएंगे ना। ये पूरे कंटेनर इधर, घोड़े को खाना दे देते क्योंकि पानी का टेंशन है नहीं। कलवे को देख भी लेते कि वो कितना ट्रेन हुआ है। कल इसका 11 kg खाना बचा हुआ था, अब 8 kg है। ये ले 15 हो गया, ये ले पानी 13, सब एकदम टकाटक है। अपने स्टैट्स बताना एक बार, कितने स्टैट्स हुए तुम्हारे? अरे वाह, पहला वाला इसका ऑलमोस्ट आधा हो गया है फुल, राइट साइड में अगर देखोगे तो। चलो ठीक है, तू इधर खेलता रहे, घूमता फिरता रहे, मैं जब तक दूसरे काम निपटा तो तेरे को किसी दिन फुर्सत से ना लेकर जाऊंगा मैं। और जो सीड वाला कंटेनर है इसको सीधा अंदर, अंदर से सारे के सारे सीड निकाल लूँ क्या? निकाल के सारा सामान ना जमीन पे फैला दूंगा, उसके अंदर मेरे को गैस करने में ज़्यादा आसानी होगी। वैसे इनकी ग्रोथ 13% इधर का तो 100% हो गया होगा, देखना 90% भाई, वाह 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 90%। यार मेरे को एक स्प्रिंकलर ना परचेस करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा। हाँ हमने ये खरीद कर नहीं लेके आया, देखो सीड वीड लेके आ गए। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। थोड़ा सा ना ऊपर से शुरुआत करने वाले, ठीक है, और गैप ना अच्छा खासा दे रहा हूँ मैं अब बीच में। आधा ठूस ठूस के लगाना नहीं है भाई, अब पहले बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के हो जा रहा था, अब थोड़ा सा गैप दे देकर बनाएंगे ताकि मैं बीच में अंदर जा सकूँ। फसल उग रही है तो उसको निकाल भी तो सकूँ, वरना टोमेटो के जैसा हाल हो जाएगा, अंदर जा ही नहीं पाएंगे। इधर एक और क्रॉस में वैसे आ जाएगा एक, ऐसे नहीं तो ऐसे तो आ ही जाएगा। हाँ ये एक ये दो, वेरी नाइस ब्यूटीफुल, लेट्स गो। सारी की सारी ब्लू प्रिंट्स रेडी हो चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 मतलब बहुत सारे हैं। और अभी माल खरीदने के लिए अपने को जाना, यार आज माल खरीदूँ या फिर लॉक्स का वो कर लूँ? नहीं नहीं नहीं, सीधा सीधा प्लैंक खरीद लेते, टेंशन ही नहीं। क्या हमारे पिग्स ने बस मेरे को जाते आते, अरे हाँ आज इनका खाना वाना वो फुल नहीं किया ना मैंने, रुक जाओ। हेलो तुम्हारा पानी फुल, खाना आई गेस है बट स्टिल एलो, और फुल कर दे तो $126 का। अब हमारे पास में पैसे है $535। थोड़ा सा तेल बेच देते हैं ना, और मेरे को नहीं लगता कि और बच्चे हुए हैं, जितने होते नहीं हैं। चलो ठीक है, तुम खाओ पियो, बड़े हो, टेंशन मत लो। बस मेरे मुर्गी लोग का तो भाई फुल मजे चल रहे हैं, जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे बड़े हो गए। अब मुर्गियाँ तो ऐसे अंडे देगी, ऐसे अंडे देगी, तुम देखना बस। लेट्स गो। अभी अपने को सबसे पहले ऑयल बेचना है, ठीक है, पूरा का पूरा ऑयल तो सेल नहीं करने वाले, अभी सिर्फ और सिर्फ 100 लीटर ऑयल बेचेंगे, क्योंकि उसके अंदर ना $1000 तो हमारे ऐसे ही बन जाएंगे और अपने को ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं। 200 लीटर ऑयल जमा होगा भाई, बताओ। एक काम करते हो यार, इसके अंदर रख दो, ये 200 लीटर के अंदर तो भाई अभी भी इतना वो करने के बाद में भी 101 लीटर बचा हुआ। और तेल कितना इसके अंदर? पेट्रोल 28 लीटर है, मतलब आज का दिन और कल का भी थोड़ा बहुत निकल जाएगा। पीछे मैंने इसलिए रखा ताकि थोड़ा सा वेट मेंटेन हो जाए। ये छोटी वाली गाड़ी से ये छोटा वाला ट्रेलर के देखो देखो देख 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 रहे हो देख रहे हो। और अरे अरे निकल गए भाई, लेट्स गो। अरे एक प्लैंक का स्टैक पड़ा हुआ है, अब हमारे पास में सीधा $1500 हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल ट्रेलर। अरे भाई अच्छा हुआ डायरेक्ट सेल ऑल नहीं कर दिया, ट्रेलर भी बिक जाता मेरा। $600 का ट्रेलर 300 में जाता, बताओ। ये 500 का सेल, ये 500 का सेल, वुड प्लैंक नहीं बेचना। $1535 हो गए, चलो अब $1000 के मैं और प्लैंक्स खरीद लेता हूँ, ठीक है। $1000 के प्लैंक्स सफिशिएंट रहेंगे, $1050 के समझ लो, ठीक है। अब कितना पैसा बचा हुआ है? $479। और यहाँ पर प्लैंक की तो बारिश हो गई है, मेरे को पता था। अब एक काम कर, तो ये बैरल को इधर रख देते हैं, पहले प्लैंक सजा लेते हैं, जगह रहेगी तो इनको लेकर चले जाएंगे, या फिर अगले राउंड में बोलो या फिर बाद में कभी मूव कर देंगे, है क्या? नहीं पता नहीं, अब ये प्लैंक लगाने कितनी देर लगेगी, 15 मिनट तो लगने ही है। चलो ठीक है, फटाफट से लगा देता हूँ। A few moments later. Alright, तो बस कुछ ही देर में सारे के सारे प्लैंक्स आ गए, कुछ छुटाए ना। और इतने प्लैंक के अंदर ऐसा फील तो आ रहा है मेरे को कि अपना काम नहीं होने वाला है, ठीक है। जितने प्लैंक अभी लेकर जा रहे ना, इसके अंदर मेरे को नहीं लगता काम होगा, बट तो भी दिल पे पत्थर रख कर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मूड नहीं है और पैसा खर्चा करने का। चलो जितने भी
क्रॉप प्लॉट्स रेडी हो गए ना, उसके अंदर काम को स्टॉप कर देंगे, बाद में जब और एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी कोई ना कोई पिक तो अपने को कुछ ना कुछ और गुड न्यूज दे ही देगा, तो वहां से फिर और पैसा खर्चा करके ना प्लैंक लेके आ जाएंगे। स्टार्टिंग में हम इसलिए लॉक्स काट रहे थे क्योंकि हमारे पास में एक्चुअल में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसीलिए हम मेहनत वाला काम कर रहे थे और इनकम का कोई सोर्स नहीं था। अब इनकम के बहुत सारे मल्टीपल सोर्स है तो खर्चा करने के लिए इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए मैं डायरेक्ट जाके ना लॉक्स खरीद रहा हूँ। इसके अंदर अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहा है, पहले बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जा रहा था चुटपुट से काम करने के लिए। हेलो मुर्गियो, लग जा भाई इधर, लेट्स गो, शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है यार, 16 प्लैंक में अगर रेडी होता ना ज़्यादा आँखों को अच्छा लगता मालूम, क्योंकि देखो ये ऐसे और दो स्टैक अगर ला के डाल रहे इसके अंदर काम हो जा रहा कंप्लीट, बट नहीं दो प्लैंक ऊपर देने हैं हमको, ऐसा अनकंफर्टेबल फील कराना है। चलो ठीक है कराओ फिर, हमारा क्या है। वैसे ऑलमोस्ट सारे के सारे क्रॉप प्लॉट्स रेडी हो चुके हैं, बस ये आखिरी के कुछ बचे, मतलब ज़्यादा अपने को प्लैंक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कितने स्टैक पड़े, 1, 2, 3 ही स्टैक है एक तो हाथ में, समझो टोटल 4 स्टैक बचे हैं। ज़्यादा प्लैंक और लाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हम यहीं वहीं से काट वाट के कर देंगे ना तो ये पीछे का रेडी हो जाएगा, बाकी इतना सीन नहीं है, सिर्फ 4 क्रॉप प्लॉट रेडी अपने को करना रह गए बस, बाकी तो ऑलमोस्ट काम टन 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 हो चुका है। ठीक है अपने को सिर्फ ये 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 5 क्रॉप प्लॉट और रेडी करने, बाकी ऑलमोस्ट इतने तो रेडी हो गए जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले, इधर सीड भी डालने से पहले अपने को स्प्रिंकलर लगाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्प्रिंकलर लेके आते हैं। ठीक है 7 लेके आते हैं, नहीं नहीं 8 लाना, इधर भी एक लगाना है अपने को, इधर पानी की बार बार कमी हो जा रही है। ठीक है लेट्स गो, 19 बज रहे हैं ना, 19 सफिशिएंट है, एक घंटा है अभी भी बचा हुआ स्टोर बंद होने के लिए। $25 का कुछ स्प्रिंकलर है वो, तो ज़्यादा ऐसा कुछ महंगा नहीं है, और मैं ना थोड़े टाइम के बाद में ना एक और ग्रीन हाउस ना तुम देखना रेडी कर ही लूँगा भाई, क्योंकि हमने पानी का वो जो विंड मिल लगाया ना वो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर दो ग्रीन हाउस तो हमारे ऐसे ही इजीली कवर हो जाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्प्रिंकलर अपने को चाहिए थे, ये एक काम करता हूँ एक एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ठीक है पूरा $200 राउंड फिगर कर लेते हैं। यार मैंने एक बास्केट लाना चाहिए था उससे इजीली, अब मेरे को बार बार ना ऐसे उठा के रखना पड़ेगा, बास्केट में तुरंत तुरंत उठ जाते थे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 बाकी कुछ छुटा नहीं छुटा, लेट्स गो। मिडल में लगाना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, इधर अगर दूंगा तो हाँ ठीक है। चलो पानी चालू हो गया है और ये आज के दिन का आखिरी सनसेट भाई, अभी इतनी खतरनाक धूप थी बट अचानक से बादल हट गए और धूप निकल गई वो भी कुछ देर की। चलो एक स्प्रिंकलर इधर लगाते, बाकी को तो गाड़ी के अंदर रहने देता हूँ, नहीं गाड़ी के अंदर नहीं बाकी के अपने को यहाँ रखने हैं। ठीक है यार अच्छा हुआ मैंने एक्स्ट्रा लेके आया, देखो एक यहाँ पर लग जाता और एक वहाँ पर, हाँ ठीक है बराबर ही लेके आया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके आया। ठीक है ये हो गया अपना यहाँ का काम, अब इधर भी फ्रंट में मैं लगाता हूँ अंगूर। ठीक है एल अंगूर अंगूर बहुत सारे अंगूर, अब गैप है बीच में तो सीन नहीं है, इधर तक अंगूर लग गए उसके बाद में और कहाँ है अंगूर, ये ग्रेप सीड है ना, एलो 1, 2 बस इतने अंगूर काफ़ी है, ये पैकेट को इधर खुले में रख देते हैं ताकि बार बार मेरे को मैनुअली ढूंढने की ज़रूरत नहीं। टोमेटो के ये 2 हो गए, ठीक है ग्रेप के ऐसे 2 कर लेंगे, फर्टिलाइजर की बोतल को एक साइड में कर लेते हैं, मैनेज करने मेरे को आसानी होगी बहुत ज़्यादा। पूरा ही माल निकालो और अच्छे से जमा दो इसके ऊपर, सामने नज़र रहेगी ना तो फिर अपने को पता रहेगा कितने फर्टिलाइजर है, कितने स्प्रिंकलर पड़े हैं, कितने सीड्स है, सब 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 सामने दिख जाएगा अपने को। एलो एक और ग्रेप सीड चाहिए था, ये एक और ग्रेप सीड, वाटरमेलन सीड, एलो वाटरमेलन सीड, ये बेल पेपर, एलो कैबेज सीड, भाई फुल नीट एंड क्लीन मामला चल रहा है अभी। ठीक है और कौन सा है, टोमेटो सीड ना, तो टोमेटो सीड इसके नीचे, ये टोमेटो सीड और क्या है, और टोमेटो सीड, एलो और टोमेटो सीड, पाइनएप्पल सीड फर्स्ट टाइम परचेजिंग, तो पाइनएप्पल सीड यहाँ, इससे मैनेज करना बड़ी आसानी हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी, अरे ना ये देखो इधर मैंने स्ट्रॉबेरी लगा दी, ये स्ट्रॉबेरी है, इसको ऊपर खसका लेते थोड़ा सा, खाली कंटेनर यहाँ पर, यार क्या ही जबरदस्त जम गया है हर एक चीज़। देखो अब
इतना नीट एंड क्लीन लग रहा है। मैं काम करता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठ के फिर सब बारी बारी सीट्स लगाएंगे। अभी अंधेरे में ना ज्यादा कुछ समझ में आता है नहीं। Early the next morning. All right, तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह, लेट्स गो फटाफट से जाकर काम करता है। यहाँ पर जितनी चीजें तुम्हें दिख रही है ना, एक एक चीज भाई, एक एक चीज हमने मेहनत करके बनाई है, एक एक चीज, पूरा अंपायर हमने मेहनत करके खड़ा किया है, दिन रात मजदूरी की है, सारी चीजें की है, तब जाकर ये मिला है। बाकी पानी तो है, चलो यहाँ यहाँ ये पूरा कवर हो रहा है पानी से। इधर लगा दिया हमने सारे के सारे ग्रेप्स, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं यहाँ पर, ग्रेप्स के बाद में आएगा टोमेटो, ठीक है। एक दो टोमेटो नहीं, सॉरी स्ट्रॉबेरीज, इतनी स्ट्रॉबेरीज सफिशेंट रहेगी, ठीक है। थोड़ी सी इधर का बचा ना, ये लो और स्ट्रॉबेरीज, ये हो गया स्ट्रॉबेरी का काम। अब उसके पीछे अपने को लगाना है, यार एक काम करते हैं, अब की बार ना पाइनएप्पल लगा लेते हैं, क्या बोलते हो? इधर ना पूरा पाइनएप्पल सीड डाल देते, पीछे का तो कुछ है नहीं तो इतना सफिशिएंट है, पाइनएप्पल सीड हो जाएगा कंप्लीट। इधर की फसल दोबारा से रेडी हो गई भाई, इस सबको ना निकाल लो, पहली फुर्सत में निकाल लो। ये बेचारा उगी नहीं रहा, इतना धीरे धीरे काम कर रहा है, कितने दिन से फसल लगी हो, कुछ ग्लिच होगा उसमें यार। ये मेरी स्ट्रॉबेरी की फसल बार बार क्यों खराब हो रही समझ नहीं आ रहा। फुल हो गया ये, नो प्रॉब्लम, बस तुम जमा होते जाओ, मैं उठाता जाऊंगा, बटोरता जाऊंगा तुमको, ठीक है। ये लो पूरी 100%। घोड़ी की आवाज़ कितनी अच्छी आती है ना वो जब चलता है तो। और कुछ है ये बीच के टमाटर जो कि मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, और ये रखे रखे डेड होके ख़राब हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। उसके लिए मेरे को ये रिमूव करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ नहीं है ऐसे फसल ख़राब होना भाई। गैप गैप से चिपका दिया ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। खैर अब बचा है फर्टिलाइज़र, तो ये लो भाई, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, खत्म एक बोतल। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अरे भाई जितना फर्टिलाइजर लाया था, वैसे स्ट्रॉबेरी को अगर मैं फर्टिलाइज ना भी करूँ तो भी कोई सीन नहीं है, स्ट्रॉबेरी तो वैसे भी उग जाती है भाई इतनी जल्दी जल्दी। पूरी फसल फर्टिलाइज हो गई है, पानी क्यों नहीं, जब इधर यहाँ पानी है तो फिर पानी क्यों नहीं दे रहा है? पानी तो चुपचाप से साले फ्री का सब खाएगा क्या? अब हो रही है देखो इनकी ग्रोथ, फटाफट से पानी डालते के साथ में 0.36% की पाइनएप्पल की तो ग्रोथ भी हो गई। बाकी ये खराब हुआ है ना, इसको हटा देता हूँ। स्ट्रॉबेरी पता नहीं क्यों खराब हो रही है, कोई सीन नहीं बनता ऐसा खराब होने का, या फिर मेरे चलने से पैर वैर रखने से तो नहीं हो गई, क्या पता। इधर की फसल को भी फर्टिलाइज करना है ना, एक दो ए लो। विदाउट फर्टिलाइज़र बहुत धीमे धीमे ग्रोथ है सारे के सारे ग्रेप्स की, फर्टिलाइज करते के साथ में भाग रहे, एकदम चीते की रफ्तार में भाग रहा हूँ। यार मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे फर्टिलाइज़र के अंदर, जितनी फसल से ग्रोथ होना ना उतनी फिर होगी नहीं अपने को। इधर कोने कोने में फर्टिलाइज कर रहा हूँ मैं, बस बीच में फर्टिलाइज करके कुछ फ़ायदे नहीं है, यही फर्टिलाइज़ कर लेंगे उधर। बाकी इधर स्ट्रॉबेरी को फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे हम, ठीक है। स्ट्रॉबेरी ऐसे भी थोड़ी टाइम के अंदर ग्रो हो जा रही है तो ऐसे चला लेंगे। अभी मेन काम क्या पड़े हुए हैं पता है? गोट फार्म डालना है, नया बुल परचेस करना है, फार्मिंग स्टार्ट करनी है, खेती बाड़ी अपनी वो पेंडिंग पड़ी है कितने दिन से, बट उसके लिए थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपने को किचन पूरा सेटअप करना है क्योंकि चीज़ का प्रोडक्शन का काम अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हमारे पास में मुर्गियों का फार्म, पिक का फार्म, गाय का छोटा सा फार्म और ग्रीन हाउस और एक ये घोड़े का पैडॉक, और हनी का भी बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हनी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा एक बार नजर घुमा लेते हैं। सिर्फ 15 प्लैंक और 2 मेटल चाहिए वुडन बी हाइव बनाने के लिए, हनी एक्सट्रैक्टर बनाने के लिए कंक्रीट लगेगा 20 और मेटल लगेगा 20, ठीक है। इसके बाद में और तो कुछ ऐसा है नहीं, बस एक चीज समझ नहीं आई, ये ऑयल रिग इधर लगाने का पहले ऑप्शन आ रहा था, तुम्हें याद है यहाँ पर कहीं लगाने का बता रहा था, वो बहुत शुरुआत की बात है, पता नहीं अब शायद से हट गया हो, बट आ तो रहा था ये पक्की बात है। और किधर ग्रोथ बराबर से चल रही है, हाँ 8% की ग्रोथ भी हो गई है, फर्टिलाइज़र होता है तो बहुत स्पीड से काम चलता है। सारे सीड का थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक आ गया, टमाटर रेडी हो गए हैं, टमाटर रेडी हो गए भाई, अरे वाह 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 वाह, फुल हो गई टंकी। एक एक दिन में फसल रेडी हो रही है फर्टिलाइज करते के साथ में भाई, गोली की रफ्तार से हर एक चीज़। मैं बस एक मिनट के लिए बाहर का गया, पूरी फसल रेडी हो गई, दे दो पूरा माल दे दो भाई। अरे वाह मैं चढ़ गया ऊपर, मेरी फसल अब ख़राब नहीं होगी, मैं पता नहीं कैसे बट चढ़ गया मैं ऊपर,
अरे यार ये फुल हो गया, वर्रा इसके अंदर और टोमेटोज आ जाते। रुक जा रुक जा रुक, अब भी आ रहा हूँ। ऐसे भी मेरा काम हो जाएगा यार, अगर मैं ऊपर भी चढ़ जाऊँ फसल के तो भी मेरा काम हो ही जाएगा। देखो ये बीच का प्लांट मुरझा गया यार, बीच का प्लांट मुरझा गया, पूरा डेड हो गया ये। चलो कोई ना, इसको रख देते। इसके अंदर अभी चार ही टोमेटोज है, मैं टोमेटो सीड ले लेता हूँ और ये बीच के ना हटा देता हूँ। कौन सी फसल खाया? अरे यार भाई ये वाली फसल खराब हो गई है। इसीलिए तो मैं चरपा रहा हूँ ना। अरे पागल कौन सा हटा दिया मैंने, चालू अच्छा पेड़ खराब कर दिया मैंने, बताओ। चलो ठीक है कोई ना, ये टोमेटो सीड लग गई उधर, ठीक है। ये टोमेटो भी रेडी हो गए, इसमें चार टोमेटोज है। वैसे ये अच्छे पेड़ पर क्या मैं चढ़ सकता हूँ? नहीं वो पेड़ खराब हुआ था इसीलिए मैं चढ़ पाया था। ठीक है। थोड़ी सी ऐसी जगह भी मिल गई ना पत्ते पे से चढ़ने के लिए, तो भी देखो। हाँ चलो अब जुगाड़ समझ में आ गया कि अगर फसल उग भी जाए ना तो अपन उसके ऊपर चढ़ेंगे कैसे। यहाँ 33% की स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ, चलो ठीक है। एक बार बस जाते जाते पिक के ऊपर नजर घुमा लेते। देख रहे हो पूरे भर गए भाई कंटेनर, पूरे के पूरे भर गए। यहाँ से अपने को $700-800 और ऐसे मिल जाएगा फ्री का बिल्कुल भी। किसी ना किसी पिग ने तो बच्चे दिए ही होंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ। लो देखो जो बच्चे थे वो बड़े हो गए। और क्या कोई बच्चा आया है? ना और कोई नहीं आया। कोई ग्लिच से इधर फंस गए क्या? हाँ इधर को आओ, इधर को आओ, गुस्सा नहीं दिलाने का, इधर को आने का, इधर को आओ। वो बच्चे फंस गए भाई, ग्लिच हो गए। क्या ही चल रहा है इधर। क्या ही चल रहा भाई, और कितनी सारी टट्टी आ गई इधर। फुल मल्टीप्लाई भाई। चलो अब जाते हैं, जाकर थोड़ा सा आराम करते हैं। टांगे दुख रही है भाई, कल से मैं दौड़ रहा हूँ। थोड़ा सा आराम करते, उसके बाद में कुछ प्लैंग जमा करना है, थोड़े बहुत पैसे जमा करना है, क्योंकि हनी का बिजनेस स्टार्ट करना है। और हनी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरे जंगल में यहाँ से वहाँ घूमना। खैर कोई बात नहीं, आज के एपिसोड को बस यही तक रखते हैं। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और नए आए हो चैनल पे एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेस लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेस चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अपडेट्स के लिए भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, सारी चीज़ों के लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक तो करो। बाकी मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।